हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है, मैं युद्ध जीतना चाहता हूँ, परंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आ भी गई तो। स्वामी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? मायावती, तुम एक वीर पत्नी हो, तुम्हें इस तरह भावुक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे परास्त होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है। फिर भी यदि मुझे युद्ध करते करते मृत्यु आ भी गई तो वो वीर मरण होगा, वीर मरण। मुझे वीर गति प्राप्त होगी, जो प्रत्येक योद्धा की आंतरिक इच्छा होती है। मायावती, बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। दुल्हन? पर ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे, मैं मृत्यु हूँ शमरासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर, फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूँ। तुम? हाँ दैत्यराज, मैं प्रद्युम्न, तुम्हारी मृत्यु। तुम मुझे यहां आने से रोकने की योजना बना रहे हो, परंतु मैं तो पहले से ही तुम्हारे राजमहल में प्रवेश कर चुका हूं। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, अभी बताता हूं। आपने क्या कर दिया स्वामी? वही मायावती जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, मैंने प्रद्युम्न का वध कर दिया है। प्रद्युम्न का वध? परंतु आपने तो एक निर्जीव पुतले की गर्दन उड़ा दी है स्वामी। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है स्वामी। मैं भी आपकी तरह प्रद्युम्न के कारण चिंतित हूँ, मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है स्वामी। प्रद्युम्न ने अपनी मायावी शक्तियों का भव्य प्रदर्शन करके हमारे आत्मविश्वास के चिथड़े उड़ा दिए हैं। आप प्रद्युम्न से टक्कर ना ले, उससे युद्ध ना करें स्वामी। स्वामी, आप ऐसी भयानक हंसी क्यों हंस रहे हैं? मुझे डर सा लगता है स्वामी। तुम बात ही ऐसी करती हो मायावती, कि मुझे हंसी आ जाती है। मैं मानता हूं कि मैंने मूर्खता की, जो प्रद्युम्न का वध करने का हर एक अवसर गवा दिया था, बल्कि उस अशुभ बालक का लाड़ प्यार किया, उसे अभय दिया। ठीक है, वो माया के बल से बड़ा बन गया है, स्वयं मायावी भी हो गया है, परंतु मेरे सामने अब भी वो बच्चा ही है। उसकी मायावी शक्तियों के प्रदर्शन से तुम भयभीत हो सकती हो, शमरासुर नहीं, कदापि नहीं मायावती, कदापि नहीं। हे
फिर भी स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्रद्युम्न से युद्ध ना करें। अर्थात मैं प्रद्युम्न से डर जाऊं, उससे युद्ध ना करूं? नहीं मायावती, नहीं। मायावती, मैं प्रद्युम्न से युद्ध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं एक महावीर हूं, प्रद्युम्न ने मुझे चुनौती दी है, यदि मैं उस चुनौती को स्वीकार नहीं करता हूं तो लोग मुझे कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, नपुंसक। यदि मैंने युद्ध भूमि पर प्रद्युम्न का सामना नहीं किया और युद्ध किए बिना ही भाग गया तो लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, भगोड़ा। मैं भगोड़ा नहीं हूं मायावती, मैं एक योद्धा हूं, योद्धा। युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है, मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, परंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आ भी गई तो। स्वामी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? मायावती, तुम एक वीर पत्नी हो, तुम्हें इस तरह भावुक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे परास्त होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है। फिर भी यदि मुझे युद्ध करते करते मृत्यु आ भी गई तो वो वीर मरण होगा, वीर मरण। मुझे वीर गति प्राप्त होगी, जो प्रत्येक योद्धा की आंतरिक इच्छा होती है मायावती, आंतरिक इच्छा। छोड़ दो मुझे। सुंदरी, अवश्य। आओ चली। कहाँ सुंदरी? आज तुम्हारी और मेरी सुहागरात है ना, हमारी मिलन की रात। फूलों के सेज पर नहीं चलोगी? क्यों नहीं सुंदरी, क्यों नहीं? Thank you.
कहाँ है से सुंदरी? वो नहीं। ये क्या सुंदरी, तुम मेरा आभास कर रही हो? हंस क्यों रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। दुल्हन? पर ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे, मैं मृत्यु हूँ शमरासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर? फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूँ। नहीं, इसे स्नान कराओ, मृत्यु का स्नान। नहीं, मुझे मैं बदला नहीं चाहता, को कोई नहीं मार सकता। शंभरासुर अमर है, शंभरासुर अमर है। शंभरासुर की दशा देख ली आपने देवी? इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद भी वो अमृत की कल्पना से भ्रमित है, चीख चीख कर अपने झूठे भ्रम को वो सच साबित करना चाहता है कि वो अमर है। परंतु चीखने चिल्लाने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना भगवान? सत्य क्या है देवी? इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मृत्यु। परंतु शंभरासुर मृत्यु जैसे सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अमर समझ रहा है, परंतु पृथ्वी लोक पर केवल दो ही चीजें अमर हैं। वो कौन सी प्रभु? एक मृत्यु और दूसरी मनुष्य की कीर्ति। बाकी सब नाशवान है देवी। देवी, लोग मृत्यु को कठोर समझते हैं, परंतु मृत्यु कठोर नहीं, दयावान है। अपने आगमन की सूचना और संकेत मृत्यु हर प्राणी को देती है। मृत्यु की इस पूर्व सूचना का उद्देश्य क्या होता है भगवान? एक ही उद्देश्य होता है देवी, और वो है मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम पर्व में पुण्य प्राप्ति का अवसर देना, अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देना। ज्ञानी मृत्यु के संकेत समझ जाते हैं देवी, परंतु शंभरासुर जैसे अज्ञानी बार बार संकेत मिलने पर भी सीधे रास्ते पर नहीं आते। वो मृत्यु को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और मृत्यु पर किसी भी तरह विजय प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। शंभरासुर भी यही सोच रहा है, परंतु मृत्यु पर शंभरासुर की विजय कदापि संभव नहीं है। ये बात उसकी समझ में प्रद्युम्न से सामना होने के बाद ही आएगी।